Hello, students. Good morning, all of you. How are you all? Hope you all are well and you are safe at your home. Let's begin lesson number 4 of your English book. This is your lesson number, The Young Battler. This is the name of your chapter, The Young Battler, and today we are going to begin it. So, let's get started now. So, your lesson begins from here, The Young Battler. The following chapter is adapted from the book. द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सोयर ये जो चैप्टर है ये द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सोयर बुक से ली गई है और इस चैप्टर में हम टॉम के बारे में पढ़ते हैं वी स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट टॉम एंड टॉम वॉज अ नोट यू नोटी बॉय काफ़ी नोटी काफ़ी शरारती बच्चा था जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं सो लेट्स बिगन टॉम नो आंसर टॉम नो आंसर ये उनकी आंट है टॉम की आंट है एक ओल्ड लेडी है वो बार बार बुलाती है टॉम कोई भी जवाब नहीं मिलता है फिर वो पुकारती है टॉम फिर भी कोई आंसर नहीं मिलता है वाट्स हैपन टू दैट बॉय आई वॉन्ट यू टॉम तब वो कहती है क्या हो गया इस लड़के को और वो चिंता करने लग जाती है टॉम टॉम कहती है लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिलता है उन्हें द ओल्ड लेडी हिज हिस्पेक्टल्स स्पेक्टिकल्स डाउन एंड लुकड ओवर दैम अबाउट द रूम फॉर अ मोमेंट सी लुक्ड पजल्ट यह जो ओल्ड लेडी है ये टॉम की आंट है एंड सी इज वियरिंग स्पेक्टिकल्स है स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा ये जो स्पेक्टिकल्स इस कमीनिंग जो चश्मा ये जो चश्मा लगा रखा है ये जो टॉम की आंट ने तो ओल्ड लेडी क्या करती है वो स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे को थोड़ा नीचे करती है और चारों ओर कमरे पे देखती है थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा पजल्ट हो जाती है हैरानी सी हो जाती है दन सी सेट टू हर्सेल नॉट फ्योर्सली बट स्टिल अलाउड इनअ फॉर द फर्नीचर टू हियर वो अपने आप में ऐसे कहती है ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं ऐसे जैसे कि कोई फर्नीचर गिरता है हल्की सी आवाज़ आती है इस टाइप पर कहती है और वो क्या कहती है इफ़ आई टू गेट होल्ड ऑफ यू आई विल वो कहती है अगर मैं आपको पकड़ लूँगी होल्ड करूँगी तो आपको छोड़ूंगी नहीं टॉम के बारे में उन, उनकी आंट कहती है टॉम अगर आप एक बार हाथ आ जाओगे तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी ये जो है उनकी आंट कहती है शी डिड नॉट फिनिश फॉर बाई दिस टाइम शी वॉस बेंडिंग डाउन एंड पुसिंग अंडर द बेड विद द ब्रूम सी डिस्टर्ब नथिंग बट द कैट अब क्या करती है टॉम की आंट वो नीचे बेंड हो जाती है फिर ब्रूम के जरिए जो बेड के नीचे से कुछ साफ़ करने या फिर वहाँ पे धक्का देती है कि कहीं टॉम इसके अंदर ना छुपा हो लेकिन टॉम वहाँ पे नहीं रहता है सी डिस्टर्ब काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है फिर वो शांत हो जाती है क्योंकि टॉम नहीं रहता है वहाँ पर बल्कि एक कैट रहता है सी डिस्टर्ब नथिंग बट द कैट कैट की वजह से जो है वो शांत हो जाती है क्योंकि टॉम वहाँ पे नहीं रहता है नेक्स्ट पेज

दी टर्न जस्ट इन टाइम टू सीज अ स्मॉल बॉय बाई द बाई द एज ऑफ हिज जैकेट एंड अरेस्ट हिज फ्लाइट तब उनके पीछे की ओर से एक हल्की सी आवाज़ आती है स्लाइट नोइस आती है तो ये एक छोटा सा बॉय रहता है टॉम स्मॉल बॉय जो है तो उन्हें चाहे अपने जैकेट के किनारे के हेल्प से जो है उन्हें वो पकड़ना चाहती थी टॉम की जो आंट है टॉम को पकड़ना चाहती थी और फिर वो कहती है वाट हैव यू बीन व्हाट हैव यू बीन डूंग इन द इन द कपबोर्ड तब उनकी आंट कहती है कि आप इसके अंदर क्या कर रहे हो इस कप बोर्ड में कप बोर्ड का मतलब होता है अलमारी कप बोर्ड जो है इसका मतलब होता है अलमारी जो है अलमारी है क्योंकि यह टॉम कहाँ पर है अलमारी के अंदर बैठा हुआ है नथिंग नथिंग टॉम कहता है कि नथिंग नथिंग कुछ भी नहीं लुकट योर हैंड्स एंड लुकेट योर माउथ वाट इज दैट स्टफ तब उनकी आंट कहती है कि तो आप अपने हाथ और अपने मुंह को देखिए ये क्या लगा हुआ है देख देख सकते हो आप ये टॉम है अलमारी के अंदर बैठा हुआ है इनके हाथ और मुंह किस प्रकार लाल है क्योंकि ये जैम का डिब्बा है उसके हाथ में जैम खा रहा होता है इसलिए उनकी आंट जो इन्हें डांटती है आई डोंट नो आंट जब टॉम को आंट पूछती है कि ये हाथ के और मुँह पर क्या लगा हुआ है तो टॉम बड़ा चालाक है वो कहता है आई डोंट नो आंट मुझे नहीं पता आंटी वेल आई नो इट्स जेम लेकिन उनकी आंट कहती है अच्छा तो मुझे तो पता है ये तो जैम है फोर्टी टाइम्स आई हैव सेड इफ़ यू डिडन्ट लेट दैट जैम अलोन आई वुड स्किन यू उनकी आंटी ने उन्हें उन्हें कहती है उनकी आंटी कि चालीस बार फोर्टी टाइम्स मैंने जो आपको ये कहा था कि जैम को आपको हाथ तक नहीं लगाना है अगर आप जैम खाओगे तो मैं आपकी चमड़ी उधेड़ दूंगी आई वुड स्किन यू कि आपकी स्किन उधेड़ दूंगी उनकी आंटी ने वार्निंग दी थी लेकिन तब भी ये नहीं माना देखो यहाँ पर आराम से बैठ के जो ये जैम खा रहा होता है तब कहते हैं उनकी आंटी हैंड मी दैट स्टिक हैंड मी दैट स्टिक अब मुझे वो स्टिक दो वो छड़ी दो आंट जो है कहती है द स्टिक हॉवर्ड इन द एयर द पेरिल वॉज डेस्परेट माई लुक बिहाइंड यू आंट अब स्टिक भी उनके हाथों में नहीं आती है वो इधर उधर हो जाती है और इस प्रकार टॉम जो है उनके हाथ में नहीं आता है नेक्स्ट पेज सी द ओल्ड लेडी विल्ड अराउंड एंड द बॉय फ्लड एट दैट इंस्टेंट अब ये ओल्ड लेडी जो उनकी आंट है वो इधर उधर घूम जाती है चारों ओर देखती देखती है लेकिन इतने बीच में तुरंत जो है वो बॉय टॉम वहाँ से चला जाता है भाग जाता है हाउ स्क्रेम्बल्ड ओवर द फेंस एंड डिसअपियर्ड स्क्रम्बल्ड का मतलब होता है क्लाइंबिंग चढ़ के जाना वो फेंस से जो बोर्ड होता है उसके ऊपर से चढ़कर जो है क्लाइंबिंग करके वहाँ से डिसपियर्ड मतलब गायब हो जाता है भाग जाता है आंटी की नज़र से ज आंट पोलिस ट्राइज फॉर अ मोमेंट एंड देन ब्रोक इन टू अ जेंटल लाफ उनकी आंट थोड़ा गुस्से में थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लिए खड़ी हो जाती है आश्चर्यचकित होकर फिर थोड़ी देर बाद उनकी गुस्से हंसी में बदल जाती है एक जेंटल लाफ में बदल जाती है बॉय कांट आई एवर लर्न एनीथिंग ही प्लेड इनफ ट्रिक्स ऑन मी बिफोर एंड ही नोस हाउ लॉन्ग ही कैन टीस मी बिफोर आई गेट एंग्री तब उनकी आंट कहती है कि ये जो लड़का है ये बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करता है और वो कुछ भी नहीं सीख सकता एंड ऑलवेज ही इज़ प्लेइंग विथ मी ही इज़ प्लेइंग ट्रिक्स विथ मी कि मेरे साथ वो चाल चलता है एंड ही नोज हाउ लॉन्ग ही कैन टीस मी बिफोर आई गेट एंग्री और उन्हें पता है उनकी आंट कहती है कि टॉम को ये पता है कि मेरी एंग्री होने से पहले वो कैसे ये इस तरीके का बर्ताव करता है और कब तक ये करता रहता है जब तक कि उनकी आंट एंग्री नहीं हो जाती तब तक ऐसा ही बर्ताव करता रहता है देन ही मेक्स मी लाफ एंड आई कांट बी क्रॉस तब आंट कहती है कि तब जो है इनकी जब टॉम जो है अपनी आंट को फिर हंसाने लग जाता है वो और उसके बाद उनकी जो उसके बाद उनकी जो गुस्सा जो है वो ठंड हो जाता है तब जो उनकी गुस्सा चला जाता है हिल प्ले हॉकी दिस आफ्टरनून एंड आई विल बी अब्लाइज टू मेक हीम वर्क टमोरो टू पनिश हिम तब उनकी आंट कहती है कि आज इस आफ्टरनून को जो है मैं उसको मजबूर करूंगी कि कल के लिए काम करने के लिए एक पनिशमेंट के रूप में क्योंकि इस आफ्टरनून को वो जो है हॉकी खेलेगा तो खेलने की बदले जो है मैं उसको एक काम दे दूंगी एक पनिशमेंट के रूप में उनकी आंटी ये सोचती है इट इज़ हार्ड टू मेक हिम वर्क ऑन सैटरडेज वेन ऑल द बॉयज आर हैविंग हॉलीडे बट ही हेट्स वर्क मोर देन हीट्स एनी थिंग एल्स सैटरडे को जो है टॉम को काम करवाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की हॉलीडे होती है बॉयज लेकिन टॉम जो है बिल्कुल भी वर्क करने में इंटरेस्ट नहीं रखता ही हेट्स वर्क ऑलवेज डूइंग वर्क ही ऑलवेज हेट्स रेदर देन एनी थिंग एल्स सारे काम से बढ़ कर, वो वर्क को बहुत ज़्यादा नफरत करता है एंड आई है एंड आई हैव टू गॉड टू डू माई ड्यूटी बाई हिम और आई विल बी द रुविनेशन ऑफ दैट बॉय अब देखो उनकी ये जो मॉम जो है उनकी आंटी जो है वो ये सोचती है कि वो उन्हें पनिशमेंट देकर खुश तो नहीं है लेकिन वो ये चाहते कि अगर पनिशमेंट नहीं देंगे तो इसकी बर्बादी का कारण वो ठहरेगी इसलिए जो है उनकी आंट उन्हें पनिशमेंट देना चाहती थी टॉम वॉस अप टू हिस्ट्रिक्स ऑल द टाइम आंट पॉली डिसाइडेड टू पनिश हिम एंड आस्ट हिम टू पेंट द फेंस ऑन सैटरडे मॉर्निंग क्योंकि टॉम जो है काफ़ी चालाक था ट्रिक्स करने में चाल चलने में अपनी आंटी से दैट्स वाई हिस आंट पॉली डिसाइडेड टू पनिश हिम एंड आस्ट हिम तब उनकी आंट पॉली जो है उनकी आंट का नाम है उन्होंने क्या डिसाइडेड किया डिसाइड किया कि अब उन्हें पनिशमेंट देंगे और पनिशमेंट में क्या देंगे कि उन्हें पेंट करवाएंगे जो फेंस बोर्ड को जो है पेंट करवाएंगे और वो कब सैटरडे मॉर्निंग को नेक्स्ट पेज सैटरडे मॉर्निंग केम एंड ऑल द समर वर्ल्ड वाज ब्राइट एंड फ्रेश एंड ब्रिमिंग विथ लाइफ सैटरडे की मॉर्निंग आती है सैटरडे मॉर्निंग में बिल्कुल समर का टाइम रहता है विथ ब्राइट फ्रेश एंड ब्रिमिंग विथ लाइफ कि पूरी तरह से ब्राइट फ्रेश रहता है और जैसे लाइफ पूरी तरह से आनंद जॉय के साथ भरा हुआ हो ऐसा लग रहा होता है देर वॉज ए सॉन्ग इन एवरी हार्ट चेयर इन एवरी फ़ेस एंड अ स्प्रिंग इन एवरी स्टेप वहाँ पे जो है सब लोगों के हार्ट में दिल में मन में बिल्कुल अच्छे गाने हैं सबके चेहरे खिले हुए हैं खुश हैं आनंद हैं स्प्रिंग इन एवरी स्टेप मीन्स बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और जॉय जो, जो है भरा हुआ है सब लोगों के फेस में सबके चेहरे बिल्कुल खिले हुए हैं जॉय है और आनंद है टॉम अपियर्ड with अ बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड a लॉन्ग handled ब्रश तो टॉम किसके साथ आता है एक बकेट लेता है जिसमें वाइट कलर की पेंट रहती है और एक ब्रश ही लुकड एट द फेंस एंड ऑल द ग्लैडनेस हिम जब वो फेंस बोर्ड की ओर देखता है तो उसकी सारी खुशी चली जाती है टॉम की क्योंकि उन्हें जाके पेंट करना है उनको थर्टी yards ऑफ बोर्ड फेंस सेवरल फीट हाई तीस यार्ड, थर्टी यार्ड की जो बोर्ड है काफ़ी ऊंची है हाइट में काफ़ी ऊंची है टॉम वंडर्ड हाउ ही वुड गेट थ्रू द डे टॉम तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि आज पूरा दिन इसको कैसे करना है हाउ ही मैनेज इज अनदर स्टोरी इसने इसको कैसे मैनेज किया सक्सेस किया ये और दूसरी एक कहानी है तो दिस इज हाउ टॉम कुड गेट द पनिशमेंट इस प्रकार जो है टॉम को पनिशमेंट दे दिया उनकी आंटी ने क्योंकि काफ़ी शरारती था नोटी था जिसकी वजह से आंटी ने उनको काम करने को मजबूर किया पेंट दे, दे देते हैं और पेंट जाके करने के लिए बोलते हैं तो उनकी सारी हंसी खुशी चली जाती है सो दिस इज़ योर चैप्टर एंड योर चैप्टर हैज़ बिन कम्प्लीटेड नाउ इट इज़ रिटर्न बाई मार्क टॉइन आपका चैप्टर था टॉम के बारे में था और आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वन सेकेंड यू कैन रीड द चैप्टर केयरफुली यू कैन गो थ्रू इट एंड ऑल्सो वॉच द वीडियो वीडियो भी आपको वॉच करना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एक्सरसाइज इसके आगे का मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा आई विल बी सेंडिंग यू इट इन योर ग्रुप एक्सरसाइज करके ओके थैंक यू वेरी मच यू कैन वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके हैव अ गुड डे